गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे स्टडी हो रही है? मैंने आपको ईवीएस में ईवीएस की बुक गो ग्रीन का चैप्टर नंबर 2 माय बॉडी रीड करवाया था लास्ट क्लास में। आज इसको आगे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है ओवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारी ज्ञानेंद्रिया, इसके बारे में आज आपको समझाएंगे। ज्ञानेंद्रिया वो होती है जिनसे अपन बाहर की चीज़ों के बारे में मालूम करते हैं, जैसे शरीर के वो पार्ट्स जिनसे अपन को बाहर के वातावरण इस चीज़ों के बारे में मालूम चलता है। जैसे आवर बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन नेमली आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिया होती हैं जिनके नेम है आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दे हेल्प अस टू सी, उनकी सहायता से हम देख, सुन, सी मीन्स देख, हियर मीन्स सुन, स्मेल मीन्स सूंग, और टेस्ट मीन्स स्वाद, और फील मीन्स महसूस करना। ये सब चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं कि हमने खाया तो क्या टेस्ट आया। सी जैसे अपन देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें हम किससे महसूस करेंगे, आँखों के द्वारा। हियर मतलब क्या सुन रहे हैं, हमें कोई बोल रहा है सामने से, मैम आपको पढ़ा रही है, बोल रही है, तो वो आप कानों के द्वारा ही सुन रहे हो। स्मेल अच्छी बुरी स्मेल मतलब किसी चीज़ की खुशबू के बारे में हमें इसी नाक के द्वारा ही पता लगता है ना। टेस्ट हमने क्या खाया, उसका स्वाद खट्टा है, मीठा है, जो भी है, सॉल्टी है, वो सब हमें टेस्ट टंग के द्वारा ही पता लगता है। एंड फील इट, बाहर के मौसम स्किन पे से के द्वारा कि सर्दी है, गर्मी है, ये सब हम स्किन के द्वारा ही महसूस करते हैं। वी सी विद ओवर आईज, हम हमारी आँखों की सहायता से देखते हैं, जैसे अपन टीवी देखना, कुछ भी देखना, अपन सब आँखों की सहायता से करते हैं। वी हियर विद ओवर ईयर्स, हम कानों की सहायता से सुनते हैं, बाहर से कोई बात कर रहा है, अपन को कोई कुछ बोल रहा है, कोई भी साउंड अपन कानों की सहायता से सुनते हैं। वी स्मेल विद ओवर नोज, हम हमारी नोज की सहायता से नाक के द्वारा ही सुगंध महसूस करते हैं, दुर्गंध महसूस करते हैं। वी टेस्ट विद ओवर टंग, और टंग जीभ की सहायता से खट्टे, मीठा, ठंडा, गर्म सब टेस्ट महसूस करते हैं। वी फील विद ओवर स्किन, हमारी स्किन पे कोई टच करता है या कैसे भी, हम उसको अपने स्किन के सहायता से महसूस करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम हो, सब हम हमारी स्किन की सहायता से महसूस करते हैं। इस चैप्टर को, माई बॉडी को, दोनों पार्ट्स को अब आपको रीड करना है। एक बार मैम दो बार में करवा चुकी है, अब आपको वापस से रीड करना है और बॉडी पार्ट्स नेम लर्न करने हैं। ओके।